सो ये है टाटा HBX जिसका नेम रखा गया है टाटा पंच एंड ये शो केस करी गई थी जिनेवा मोटर शो 2019 में एंड ऑटो एक्सपो 2020 में। सो इसका नेम अब टाटा पंच है एंड आज हम बताने वाले हैं आपको इसके बारे में 6 इंपॉर्टेंट बातें। सो टाटा पंच आती है मिनी SUV की कैटेगरी में जो कि कॉम्पीट करेगी मारुति सुजुकी इग्निस KUV100 NXT के साथ एंड अपकमिंग हुंडई कैस्पर के साथ। यहाँ पे आप कंप्लीट डायमेंशन कंपैरिजन देख सकते हैं। सो HBX की आप यहाँ पे डायमेंशन भी देख सकते हैं, साथ में ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm एंड बूट स्पेस 275 liters। सो बाकी टाटा कार्स की तरह ये भी बेस्ड है इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर एंड आप देख सकते हैं जो उसका डिज़ाइन बनाया गया है टाटा हैरियर एंड टाटा नेक्सॉन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वही सेम कट्स एंड क्रीजेज यहाँ पे यूज़ करी गई है। यहाँ पे अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म यूज़ करा गया विच इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग एंड बाकी टाटा कार्स की तरह ये भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे ग्लोबल NCAP रेटिंग स्कोर करेगी फॉर श्योर। सो यहाँ पे सिंगल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है जो है 1.2 liter 3-cylinder रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 85 bhp ऑफ पावर एंड 113 nm ऑफ टॉर्क। 5-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल रहेगा एंड इसकी माइलेज है बहुत ही बढ़िया 21 kmpl की। सो गाइज दीज आर द एक्सटीरियर जो कि अब फुली रिवील हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको राइट ऑफ फ्रंट टाटा की सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है। इंपैक्ट 2.0 डिजाइन यहाँ पे काफी विजिबल है। यहाँ पे स्प्लिट हेडलैम्प दिए गए हैं तो अपर यूनिट जो है वो टर्न इंडिकेटर्स एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स की तरह वर्क करेगा। जो नीचे यूनिट दिया गया है वो आपको मिलता है प्रोजेक्टर यूनिट। सो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे लो बीम है वो आपको प्रोजेक्टर में मिलेगी, हाई बीम आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर में मिलेगी। बम्पर आप देख सकते हैं जो फ्रंट बम्पर है वो काफ़ी बिग साइज का दिया गया है, ब्लैक काफ़ी यहाँ पे यूज़ करा गया है। बहुत ही बिग साइज का एयर डैम भी आपको मिलता है आप देख सकते हैं। रेडिएटर ग्रिल भी जो है वो काफ़ी विजिबल है और यहाँ पे जो टाटा का ट्राई एरो पैटर्न है वो लोअर एंड ग्रिल पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है एंड आप देख सकते हैं फॉग लैम्प भी अवेलेबल है। और साइड प्रोफाइल की तरफ आप मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं व्हील आर्चेस स्लाइडिंग आपको स्मॉल साइज की मिलती है, लेकिन जो साइड बॉडी स्लाइडिंग है वो अगेन बहुत ही बिग साइज की दी गई है जो कि काफ़ी एक टॉल स्टांस भी ऑफर करती है इस SUV को। और यहाँ पे 15 इंचेस के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। जो रियर डोर हैंडल है वो आपको सी पिलर पे मिल जाता है। देन यहाँ पे रूफ रेल्स भी अवेलेबल है। रियर लुक भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मिलेगी। LED टेल लैम्प दिए गए हैं ट्राई एरो शेप्ड। एंड इंटीरियर्स देखेंगे गाइस तो यहाँ पे Altos है नेक्सॉन जैसे ही आपको इंटीरियर्स मिलते हैं। डैश टॉप यहाँ पे टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है। देन यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील भी सेम एज Altos ही मिलेगा एंड फर्दर मोर इवन जो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं वो भी यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल रहेगा। सो बाकी टाटा कार्स की तरह इंटीरियर्स आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेंगे। ऑल 4 हेडरेस्ट यानी कि फ्रंट एंड रियर आपको हेडरेस्ट मिल जाएगी, साथ में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री भी अवेलेबल रहेगी। और टॉप फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल, 7 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू यहाँ पे आप कनेक्ट करके नेविगेशन भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 8 स्पीकर्स मिल जाएंगे वो भी हमन गार्डन के, यानी कि 4 स्पीकर्स अवेलेबल रहेंगे, 4 ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। देन यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शो करता है, वो भी बहुत ही बढ़िया ग्राफिकल फॉर्मेट में। 2 एयरबैग्स, LED टेल लैम्प, पावर फोल्डेबल ORVM यानी कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी मिलेंगे ORVM एंड फोल्डेबल भी मिलेंगे। 15 इंचेस अलॉय व्हील्स, कूल ग्लब बॉक्स, ऑटोमेटिक AC, रियर वाइपर मिल जाएगा दोस्तों, रियर डिफॉगर मिल जाएगा एंड साथ में यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी अवेलेबल है। सो काफ़ी सारे यहाँ पे ओवरऑल फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं। बात करें सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो ये है कंप्लीट लिस्ट। और बात करते हैं टाटा पंच के प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस एंड बेस मॉडल में गाइस आपको बेसिक फीचर्स मिलेंगे यानी कि फ्रंट पावर विंडोज मिल जाएंगी, रियर पावर विंडोज भी आपको नहीं मिलेंगी। सो बेसिक फीचर्स अवेलेबल रहेंगे एंड टॉप मॉडल में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों, क्रूज कंट्रोल से लेकर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड सो ऑन। बात करें लॉन्च डेट के बारे में तो ये लॉन्च करी जाएगी फेस्टिव सीजन में यानी कि दिवाली के आसपास ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। सो टाटा पंच जिसका कोड नेम है HBX, इसकी और भी डिटेल दोस्तों हमारे पास आने वाली है। हम आपके साथ बहुत ही जल्दी इसके इंटीरियर में क्या क्या और फीचर्स आपको मिलने वाले हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।